Hello friends, welcome to my YouTube channel Dr. Nyaneshwar Moli Maths. Friends, यहाँ पर हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था हमारा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है. यहाँ पर हम इस पीरियड में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक करने वाले. तो चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करें. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 वैसे ही सॉल्व करना है. लेट करेंगे y इज इक्वल टू log of अंडर रूट 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x. इस तरह से इसको हम 1 नंबर दे देंगे. तो अब फ्रेंड इसको हम फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे. कैसा करेंगे देखो. 1 के लिए sin x का फार्मूला है. sin x को हम इस तरह से लिख सकते हैं sin x is equal to 2 sin x into 2 sin x by 2 into cos x by 2. हाफ एंगल फार्मूला हमें मालूम है. और 1 को हम 1 को कैसे लिख सकते हैं. 1 को cos square x by 2 plus sin square x by 2 half angle में लिख सकते हैं. इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. तो मैं डायरेक्टली इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ. log of अंडर रूट इस तरह से लिखेंगे 1 यानी cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2. ठीक है. मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डीप ले लिया है. देखो ये cos square x by 2 plus sin square x by 2, इसको 2 sin x by 2 cos x by 2 इस तरह से. तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा देखो. ये मैं cos square x by 2 ये पहले लिखूंगा 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by plus sin square x by 2 इस तरह से लिखा मिलता divided by यहाँ पर cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 into cos x by 2 plus sin square x by 2. देखिए फ्रेंड एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया. यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा. आप डायरेक्टली कर सकते हैं. एक बार मैं पूरा करके दिखाऊंगा. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट cos x by 2, बीच की जो टर्म है ये इसका साइन माइनस और लास्ट जो टर्म है इसका स्क्वायर रूट sin x by 2 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहली टर्म का स्क्वायर रूट cos x by 2, सेकंड टर्म का साइन प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट sin x by 2 ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरह से. अब हम डायरेक्टली इसका फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. अब याद रखो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा. 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला क्या है, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू ब्रैकेट का स्क्वायर. ये याद रखें 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरह से. ठीक है ना, ये हमें याद रखना है. सिमिलरली 1 प्लस साइन 2x का लिख सकते हैं. क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से लिखना है. ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे. तो ये हो गया. आगे देखेंगे आगे क्या आएगा. अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा. हम इसको डिप ले रहे हैं. देखो y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ये cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 प्लस sin
एक्स बाय टू दोनों का भी क्या है स्क्वायर है ठीक नहीं, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर गेट कैंसल। उसके बाद क्या आएगा अगली स्टेप बताओ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ये आएगा। अब यहां पर कॉस एक्स बाय टू कॉमन निकालो, कॉस एक्स बाय टू कॉमन, वन माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू कॉमन यहां पर, वन प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू, ब्रैकेट क्लोज। ये कॉस एक्स बाय टू ये कॉस एक्स बाय टू कैंसिल, लॉग ऑफ मॉड लॉग ऑफ ब्रैकेट में वन माइनस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स बाय टू। अब यहां पर इसको वन को हम कैसे लिख सकते, टेन ऑफ पाई बाय फोर लिख सकते, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी रहती है वन रहती है, तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन इंटू टेन एक्स बाय टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये टेन ऑफ पाई बाय फोर, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए ये टेन बी, तो टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम यहां पर यूज करें। तो इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अब टू नंबर दे देंगे, डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टेन पूरा लिखा मैंने पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, तो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, इस तरह से आए। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, इस तरह से आएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देख, ये आया वन अपॉन टेन को माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, इस तरह से लिखूंगा।
डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय इस तरह से लिखा इनटू 1 बाय सेक का कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इनटू माइनस 1 बाय 2 इसका डेरिवेटिव क्या है 0 और माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 ठीक है ना तो ये कॉस कैंसिल इसका स्क्वायर कैंसिल तो ये आया माइनस 1 बाय 2 इनटू साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इनटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ये हो गया अब इसमें फार्मूला यूज करो अब साइन साइन 2x का फार्मूला क्या है 2 साइन x इनटू कॉस x ये फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय ये फार्मूला यूज करना है हमें ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है ये पूरा ही एक्स है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय मैं यहाँ पर लिखूंगा देखो ये क्या हो जाएगा ये माइनस 1 बाय माइनस 1 बाय साइन ऑफ इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस 2 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स हाँ अब ये अलाइड एंगल फार्मूला है हमें मालूम है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है इसका ठीक है नहीं तो ये माइनस 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय कॉस एक्स यानी माइनस सेक एक्स ये इसका आंसर रहा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज द फाइनल आंसर तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर बढ़ेंगे ये समझ में आया होगा थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है कुछ नहीं यहाँ पर फार्मूला यूज करके हमने सॉल्व किया तो सेकंड एग्जांपल देखो लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 2 4 रेस्ट टू 2x इनटू x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2 अब हम यहाँ पर लॉग है तो लॉग ऑफ इस तरह से यूज करेंगे हम लॉग का फॉर्मूला लॉग ऑफ m n डिवाइडेड बाय p रहा तो इसको हम लॉग का स्ट्रक्चर यूज करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग ऑफ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम फॉर्मूला लॉग ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला क्या है लॉग ऑफ m प्लस लॉग m ठीक है ना लॉग ऑफ m बाय n लॉग ऑफ m माइनस लॉग n इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड है तो लॉग ऑफ इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 4 रेस्ट टू 2x प्लस log of इसको कैसा लिख सकते हैं हम log of x square plus 5 to the power 3/2 minus log of x square minus log of माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2 ठीक है ना इसको मैंने इस तरह से लिखा लॉग में स्प्लिट करके लिखा ये क्या है इसको इस तरह से लिखा प्लस में यहाँ पर इंटू है प्लस हो गया यहाँ पर डिवाइड है इसका पावर क्या है 3/2 इसका पावर क्या है लॉग लगा के इसका पावर 3/2 तो अच्छे से लिखेंगे इसको 2x आगे आएगा लॉग का फॉर्मूला यूज
किया हमने 2x into log 4 plus plus log of x 3 by 2 into log of x square plus 5 minus 3 by 2 इसको मैं इस तरह से लिखूंगा log of इसको 2x cube minus 4 to the power ये 1 by 2 रहा तो 3 by 4 हो जाए समझ में आई है तो एक स्टेप बढ़ा देंगे यहां पर कितना है पावर 3 by 4 है तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है अभी इक्वेशन नंबर 1 पे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ये log 4 dy by dx इज इक्वल टू log 4 कांस्टेंट d by dx ऑफ 2x plus 3 by 2 constant d by dx of log of x square plus 5 minus 3 by 4 constant d by dx of log of 2x cube minus 4 constant. Sorry, is the differentiation. So, batao isko log 4 into 2. Iska differentiation kitna hai 2x ka? 2. ठीक है नहीं इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2 आएगा प्लस ये 3 by 2 into 1 by x square plus 5 into derivative of x square plus 5 2x minus 3 by 4 into 1 by 2x cube minus 4 into derivative of 2x cube minus 4 का कितना आएगा 6x square समझ में आ रहा है तो ये हो गया आंसर 2 log 4 plus 3 by 2 ये 2 to get cancel तो ये 3x by x square plus 5 minus 2 minus 9x square by 2 into 2x cube minus 4 तो ये इसका आंसर हो चुका ये dy by dx ये किसका आंसर हो चुका क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो चुका क्वेश्चन नंबर कितना यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो चुका ठीक है नहीं समझ में आ रहा है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमने ले लिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहां पर समझ में आया बच्चों तो आगे बढ़ेंगे हम आगे हम क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर हम आगे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 लेट y is equal to log of mod sorry log of e raised to x square into 5 minus 4x to the power 3 by 2 divided by e cube root of 7 minus 6x bracket वैसे log का formula use करके हम इसको solve करेंगे तो y is equal to इसको इस तरह से लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लिकेशन है e raised to x square plus log of 5 minus 4x ब्रैकेट का 3 by 2 minus log of इसको इस तरह से लिखेंगे 7 minus 6x to the power 1 by 3 समझ में आया ये log के फॉर्म में हमने लिखे ये y is equal to क्या हो जाएगा ये x square ऊपर का ये मल्टीप्लिकेशन आएगा में आएगा log e plus 3 by 2 log of 5 minus 4x minus 1 by 3 आगे आएगा log of 7 minus 6x ये इसको हम log e की वैल्यू कितनी रहेगी
वन रहती है, तो इसको हम वन नंबर दे देंगे, डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन y का dy by dx हो जाएगा, d by dx of x square plus 3 by 2 constant d by dx of 5 minus 4x minus 1 by 3 constant d by dx of 7 minus 6x. तो इसका डेरिवेटिव 2x plus 3 by 2 into इसका डेरिवेटिव यहां पर क्या है, log है ना, d by dx of log of इसका डिफरेंशिएशन यहां पर क्या है, log, ठीक है, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5 minus 4x into डेरिवेटिव d by dx of 5 minus 4x minus 1 by 3 into 1 by 7 minus 6x into d by dx of फंक्शन का डेरिवेटिव 7 माइनस 6x, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये 2x plus 3 by 2 into 1 upon 5 minus 4x into minus 4 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव minus 1 by 3 into 1 upon 7 minus 6x into minus 6 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये देखो 1 कैंसिल 2 कैंसिल, यहां पर 2 आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2x हो जाएगा, इसको मैं यहां पर लिख दूंगा, देखिए ये 2x प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 minus 4x minus 6 divided by 5 minus 4x minus minus plus plus 2 divided by 7 minus 6x 7 minus 6x ये इसका आंसर हो चुका है, या ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तीन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सॉल्व हो चुका, तो क्वेश्चन नंबर हम की इसके और बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इसको रफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या, let y is equal to, वैसे लिखेंगे log of a raised to cos x divided by x square minus 3 bracket cuts cube divided by log x, इसको हम log में convert करके लिखेंगे, log के formula use करके, यहां पर a raised to cos x minus log of x cube minus 3 plus log of log x, इस तरह से आएगा, ये मैंने फार्मूला यहां पर यूज कर दिया, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे cos x into log a minus 3 into log of x cube minus 3, x cube minus 3 यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस log of log x हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 आया, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, देखो y का डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to log a कांस्टेंट है, d by dx of cos x हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट, d by dx of log of x क्यूब minus 3 minus d by dx of log x, ये आया, अब cos x का derivative minus sin x है, minus log a into sin x, ठीक है ना, minus इसका
3 into log x का 1 by x है, तो x cube minus 3 into d by dx of x cube minus 3 minus log of log x, log x का derivative 1 upon x रहते हैं, 1 upon log x into d by dx of log x. यह तो इसको मैं अच्छे से लिखा, तो sin x minus log a into sin x minus 3 by x cube minus 3 into 3x square हो जाएगा, 3 का derivative 0, minus 1 by log x into 1 by x, log x का derivative 1 by x. तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा देखो, देखिए dy by dx is equal to, final answer क्या लिख सकते हैं, minus sin x into log a minus 9x square divided by x cube minus 3 इसका minus 1 by x log x, ये इसका final answer हो चुका है. यह हमारा question number कितना था, 18 था. अब question number 19 की ओर बढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, मैं लिखता हूं इसको, लेट y इज इक्वल टू 25 टू द पावर log टू द बेस 5 sec x, ठीक है, माइनस 16 टू द पावर log टू द बेस 4 sec 10x. ये तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखो y इज इक्वल टू 5 को मैं 5 स्क्वायर इस तरह से लिखूंगा इनटू log ऑफ टू द बेस 5 sec x माइनस 4 स्क्वायर इनटू log टू द बेस 4 tan x, इस तरह से हमने लिखा. इसको इस तरह से लिखेंगे, ये पावर जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में है, 5 into 2 log to the base 5 sec x, ठीक है, minus 4 log to the base 4 tan x, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 multiplication हो जाता है इसका, तो ये जो 2 है इसकी power में आएगा, n log m अगर रहा तो log of m to the power क्या रहता है, n. तो इसको हम 5 to the power log sec x square to the base 5 minus 4 to the power log to the base 4 tan x square, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो हमें मालूम है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e raised to x की वैल्यू, e raised to log x की वैल्यू क्या रही थी, ये एंड log कैंसिलेबल रहते हैं, x रहते हैं, एंड a raised to log to the base a x अगर ऐसा रहा तो इसकी वैल्यू भी क्या रहती है, x रहती है, हमें ये मालूम है फार्मूले, तो e एंड log कैंसिलेबल है, e एंड a raised to log a to the base a, ये भी कैंसिलेशन है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये तो हमें मालूम है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या रहते हैं, 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 1, 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0, तो इसका आंसर कितना है, 0, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 19. अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, लेट y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, x square plus 2 bracket to the power 4
divided by under root में x square plus 5 इस तरह से है. तो ये u है, ये v है. u by v का फॉर्मूला यूज करेंगे. Differentiate 1 with respect to x, इसको 1 है. हमें मालूम है u by v का फॉर्मूला क्या है, ठीक नहीं? d by dx of u by v is equal to v constant du by dx minus u constant dv by dx divided by क्या है, v square रहता है, ठीक नहीं? ये u by v का फॉर्मूला है. तो यहां पर यूज करेंगे dy by dx, y का डिफरेंशिएशन, v constant under root x square plus 5 constant, d by dx of x square plus 4 bracket raised to 4 minus x square plus 4 bracket raised to 4 into d by dx of under root x square plus 5 x square plus 5 ठीक है ना. तो ये आया एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, v स्क्वायर. v स्क्वायर यानी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर. ये रूट स्क्वायर गया, रूट गया, ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5 इनटू इसका डेरिवेटिव ले लो 4 इनटू x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर एक कम हो जाएगा 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 4 इनटू 1 अपॉन 2 रूट x square plus 5 into d by dx of x square plus 5 divided by ये क्या हो जाएगा, x square plus 5 है. ये आ गया यहां तक. इसके बाद अगली स्टेप करेंगे, देखो क्या हो जाएगी अगली स्टेप. यहां पर ये देखो क्या हो जाएगा, ये 4 इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हां यहां पर d by dx of x plus 4 into यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव d by dx of x square plus 4 का डेरिवेटिव यहां पर देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 इनटू x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट का क्यूब इनटू x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या है, 2x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट का रेस्ट टू 4 इनटू यहां पर 1 बाय 2 रूट x square plus 5 into x square plus 5 का derivative 2x divided by ये x square plus 5, ये यहां का 2 cancel हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको solve करें तो 8x under root x square plus 4 into x square plus 5 is written over. X square plus 5 x square plus 4 brackets cube minus ye kya ho chuka 2 to cancel x into x square plus 4 raised to 4 divided by ये under root x square plus 5 यानी whole divided by क्या है, x square plus 5. जब हम इसको यहां से cross multiplication करो और solve करो तो क्या आएगा, ये 8x square plus 5 into x square plus 4 cube minus x into x square plus 4 to the power 4 divided by ये यहां पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा,
x square plus 5 to the power 3 by 2 हो जाएगा. इसे हुआ इसका 1 by 2 और ये ऊपर गया 3 by 2. यहां से कॉमन निकलो, यहां से x, x कॉमन. क्या क्या कॉमन निकलेगा देखो, x कॉमन निकल लिया हमने, तो यहां पर क्या बचा, x कॉमन निकला तो बचा यहां पर और क्या कॉमन निकलता है, x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्यू, ये कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या रहेगा, 8 इनटू x स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस x तो बाहर आया, यहां तीसरा बाहर आया तो x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 1 बचेगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 3 बाय 2. तो देखो इसको कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन कर दो क्या आएगा देखो. देखिए यहां पर लिखा मैं देखो क्या है गई अगली स्टेप में, ये x इनटू x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्यू इनटू ब्रैकेट में 8 x स्क्वायर माइनस 8 इनटू 5 40 प्लस 40 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट का 3 बाय 2. ये क्या इसको सॉल्व करो अब क्या हो जाएगा, ये x इनटू x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्यूब इनटू 8 x 7 x स्क्वायर हो जाएगा, 7 x स्क्वायर माइनस प्लस 38 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट का 3 बाय 2. ये इसका आंसर हो चुका. यहां पर देखो ये जो है ना, एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है. देखो ये इसका फाइनल आंसर हो चुका. यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर क्या है x plus 2 है, तो x square plus 2 है, तो x square plus यहाँ पर जहाँ पर x square plus 4 रहा है वहाँ 2 कर दो, तो यह हमारा फाइनल आंसर हो चुका. थैंक यू फ्रेंड्स.